और अब आपके भेजे हुए चटपटे चुटकुले सुनाता हूँ, उनको पहले ही हंसी आ जाती है, आप भी हंसेंगे यकीन मानिए। पहला चुटकुला भेजा है सोनू कुमार जी ने छपरा से। एक बार एक आदमी जल्दबाजी में ऑटो पकड़ता है और कहता है, भैया बिहार स्टेशन ले चलिए। ले चलते हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद ड्राइवर कहता है, ए सर हम तो मीटर डाउन करना भूल गए हैं। आदमी कहता है, कोनो बात नहीं, हम भी पर्स लाना भूल गए हैं। अगला चुटकुला भेजा है जमुनिया जी ने। ओ माय गॉड, बड़ा स्वीट नाम है आपका, जमुनिया। जमुनिया जी ने बक्सर से एक बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कहती है, ए सुनो ना, मुझे ना हीरे की अंगूठी दिला दो, इसी बहाने मैं तुम्हें याद रखूंगी। जा नहीं दिलाता, अब तू इस बहाने याद रखेगी कि कमीने से अंगूठी मांगे थे, दिलाया नहीं। अगला चुटकुला भेजा है रामायण कुमार जी ने सिवान से। एक बार एक औरत ने एक पुलिस वाले से कहा, कहा बताएं, अरे हम एक चोर से बहुत परेशान हो गए हैं, पूरा मोहल्ला तबाह कर दिया है, कोई ऐसा तरीका बताइए कि वो मोहल्ले में नजर ना आए। देखिए ऐसा कीजिए, आप उसको चुनाव में खड़ा करवाइए, वोट देके उसको जिताइए, MLA बना दीजिए, मां कसम खाए कहता हूँ 5 साल तक नजर नहीं आएगा। और अब बारी फरमाइशी नगमों की, यानी किसी ने फरमाइश किया है कि हम उसे एक गाना सुनाएं। एक क्यों भैया, एक हमारे मन से भी सुनिए। जी हाँ, सुनील कुमार उपाध्याय जी छपरा से आपने फरमाइश किया है गाने के लिए, तो सुनिए आपके लिए दो गाने, अपने भी गाने। अगला चुटकुला भेजा है रुंझुन कुमारी ने बक्सर से। एक बार एक औरत ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे पति को नींद में बोलने की बीमारी है, क्या करूं? उन्हें दिन में बोलने का मौका दिया कीजिए। अगला चुटकुला भेजा है बबलू कुमार यादव जी ने कैमूर से। एक बार कमिश्नर ने पुलिस वाले से कहा, ए, उस चोर के बारे में कुछ पता लगा? तुमने पकड़ा उसे? नहीं सर, पकड़े तो नहीं है, लेकिन उसका फिंगरप्रिंट मिल गया है सर। कहाँ मिला है? सर हमारे गाल पे। अगला चुटकुला भेजा है नागेंद्र कुमार सिन्हा जी ने देवघर से। एक बार एक लड़के ने एक पंडित को हाथ दिखाते हुए बोला, पंडित जी मेरे हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं? जजमान आपके हाथ में बहुत विद्या है, आप बहुत पढ़ेंगे। अबे कमीने, पढ़ तो मैं 5 साल से रहा हूँ, ये बताओ पास कब होऊंगा? भैया अब आपके दिमाग से निकालते हैं चुटकुलों वाली डिस्क और गाने सुनाते हैं। गाना नंबर 178।